अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शकील अहमद। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि हम यूट्यूब का चैनल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ये बताओ कि हम यूट्यूब का चैनल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसकी क्या सेटिंग्स होती हैं, वो भी हम किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी हवाले से मैं ये चैनल बना रहा हूँ ताकि आपको भी इससे हेल्प हासिल हो सके कि यूट्यूब चैनल किस तरह क्रिएट करते हैं, उसकी जो सेटिंग होती है वो किस तरह करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो बात यह है कि आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है, जिसके बगैर आप कोई भी यूट्यूब का चैनल क्रिएट नहीं कर सकते। तो जीमेल अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, उस हवाले से मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है, वो आपने देख लेनी है। उसको देखकर आपने अपना जीमेल अकाउंट न्यू क्रिएट कर लेना है। अगर तो आपके पास अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है तो आपने यहाँ यूट्यूब पर साइन इन कर लेना है। तो मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊँगा कि हम जीमेल यूट्यूब चैनल किस तरह क्रिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है, तो मैं सिंपली यहाँ से साइन इन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करूँगा और वो अकाउंट यहाँ पर साइन इन करूँगा। तो यहाँ पर साइन इन किया मैंने। साइन इन करने के बाद पासवर्ड डालना है आपने, जो आपके जीमेल का पासवर्ड होगा। डालने के बाद जो आपका होगा जीमेल अकाउंट, वो ऑटोमेटिक यूट्यूब में साइन इन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको तीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। अगर तो आपके पास यहाँ पर माय चैनल का ऑप्शन आ जाए तो ठीक है, वरना आपको ये ऑरेंज कलर का आइकन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। और माय चैनल नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा कि यूज़ यूट्यूब एज़, तो आपने उस पर अपना जिस टॉपिक से चैनल बनाना चाहते हैं वो जो है कि वो आपने उस पर नेम लिख लेना है। नेम लिख लेने के बाद आपको नीचे क्रिएट चैनल का ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। तो आपके पास उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आगे की सेटिंग जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देख रहे हैं, जो व्यूवर्स की सबसे पहली गलती होती है कि उसके पास ये होते हैं वीडियोस, डिस्कशन, चैनल्स, प्लेलिस्ट के ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे होते। तो वो हमें किस तरह लाने हैं, तो हमें कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सेटिंग का, इस पर क्लिक करना है। तो ये जो होगा कस्टमाइज द लेआउट ऑफ योर चैनल, ये आपका जो बटन होगा ये होगा ऑफ, तो आपने इसे ऑन कर देना तो वो ये ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ से आप सेव करेंगे, यहाँ से जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके सारे बटन शो हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि पहले आपने ऐड चैनल आर्ट की पिक्चर लगानी, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड चैनल आर्ट पर। तो आपने कोई भी पिक्चर लगानी हो वो आपने अपने पीसी से चूज़ करनी है और लगा लेनी है। तो ये हमारी पिक्चर अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसे यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो जो आपका चैनल आर्ट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएं, ये जो बेसिक सेटिंग है ये देख रहे हैं अपलोड्स, ये एक आपकी जो है प्ले लिस्ट है। तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पर शो होंगी। और उसके बाद आप यहाँ ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पॉपुलर अपलोड्स, लाइव वीडियोस, पोस्ट विजल, लाइव नाउ, यहाँ पर क्लिक करके भी नई बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप पॉपुलर अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डन कर देंगे, आपकी कोई भी वीडियो आप पॉपुलर होगी वो यहाँ पर शो होगी। उसके बाद दोस्तों, जो होती है कि अबाउट में हमें जाना है यहाँ पर, तो हमारी जो होती है डिस्क्रिप्शन वगैरह या हमारे जो ऊपर कोई भी आपने चैनल देखा हो, जैसा कि मेरा देखा होगा, वहाँ पर ऊपर फेसबुक का आइकॉन, गूगल प्लस का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का शो हो रहा होगा, वो आप किस तरह ऐड करते हैं या डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा चैनल डिस्क्रिप्शन, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जिस टॉपिक पर चैनल होगा वो उसके मुतालिक आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है। तो उसके बाद आप ये नीचे देख रहे हैं फॉर बिजनेस इंक्वायरी, यहाँ पर उसके मुतालिक आप ईमेल डालना चाहें तो ठीक है, वरना ना भी डालें तो कुछ नहीं था। उसके बाद आपने लोकेशन अपनी सेट कर लेनी है, मेरी लोकेशन पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पर अपनी लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जो नज़र आ रहा है लिंक्स, यहाँ पर आप सोशल मीडिया के लिंक जो मैंने आपको बताया कि ऊपर आइकॉन में नज़र आ रहे होते हैं वो आपने ऐड करने हैं। तो वो मैं आपको बाद में ऐड करके दिखाऊँगा, तो पहले आपको दूसरी सेटिंग बता दूँ। तो ये देख रहे हैं व्यू एज यूर सेल्फ, अगर तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू विजिटर देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने है जो वो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं,
इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं, दिस चैनल डज नॉट हैव एनी कंटेंट, इसका मतलब है कि आपके वीडियो पर कोई भी ऐसी कोई भी चैनल पर, आपके चैनल पर कोई भी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई। अगर हुई होती तो आप अपने चैनल पर उसके मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होगी, तो अब आपने करना है यहाँ पर ऊपर ब्लू कलर ऑरेंज कलर का आइकन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है इसकी बेसिक सेटिंग में। तो आपने यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर यूअर अकाउंट नज़र आ रहा है, इसके नीचे जो आ रहा है ब्लू कलर में व्यू एडिशनल फीचर्स, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो है वेरीफाई, अगर आप इससे वेरीफाई अपने अकाउंट को कर लेंगे तो आपके जो थंबनेल वगैरह वो अनएबल हो जाएंगी। तो मोनेटाइजेशन जो है वो तो आपका जो न्यू पॉलिसीज हैं 2018 या 19 की, वो ये है कि अगर आपके पास 4000 घंटे वॉच टाइम है या 1000 सब्सक्राइब हैं तब भी अनएबल होगी। तो बाकी जो ऑप्शन है वो तो आपके हो जाएंगे इसको वेरीफाई करने के बाद। तो चलिए इसे वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करना है आपने अपनी लोकेशन सेट कर लेनी, और बाद में यहाँ टेक्स्ट मी द वेरीफिकेशन कोड, तो यहाँ पर आपने अपना नंबर ऐड कर लेना जो आपका नंबर हो। नंबर ऐड करने के बाद आपने यहाँ इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करना है आपने, तो आपका जो इस पर नंबर ऐड कर रहे हैं वो आपके पास मौजूद है, उस पर एक कोड आना है, तो आपने वो यहाँ पर कोड ऐड करना है। कोड ऐड करने के बाद आपने यहाँ से सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका जो है अकाउंट वेरीफाइड होगा। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं आपके जो बहुत से ऑप्शन हैं वो अनेबल हो गए हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपने आ जाना है नंबर 2 पर, अपलोड डिफ़िकल्ट, यहाँ पर क्लिक करें। करने के बाद ये देख रहे हैं प्राइवेसी, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपने उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह अभी नहीं दिया होता तो वो सीधी पब्लिक में अपलोड हो जाती है। तो अगर आप उसे अनलिस्टेड कर दें तो बाद में आप उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी लिखना हो आपने लिख कर बाद में उसे पब्लिक में डाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पर इसे अनलिस्टेड कर लेना, उस इस और नीचे आ जाते हैं कैटेगरी पर। तो चूज़ कैटेगरी, आपने जिस हवाले से चैनल बनाया होगा उसके मुताबिक आपने यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर लेनी। तो मैं यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी करूँगा, और तीसरे नंबर पर लाइसेंस, ये देख रहे हैं। ये बहुत से दोस्तों ने जो है क्रिएटिव कॉमन पर किया होता है, लेकिन आप इसे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस पर करें क्योंकि आपकी वीडियो कोई दूसरा यूज़ ना करें। तो यहाँ पर टाइटल ये भी छोड़ दें, और डिस्क्रिप्शन में आपने अपने सोशल मीडिया को लिंक डाल लेना जैसे फेसबुक ट्विटर वगैरह के, और ये टैग्स आ जाता है जहाँ पर आप अपना टैग्स डाल लें जो आपके सब वीडियो में एक यूज़ होता हो। जैसा कि मिसाल के तौर पर मेरा यूज़ होता होगा टेक्नोलॉजी टिप्स, ये मेरा हर वीडियो में यूज़ होगा, तो मैंने ये डाल लिया यहाँ पर। और ये कमेंट्स एंड रेटिंग, ये अलाओ पर आपने रहने देनी है, चेक पर रहने दें। और वीडियो लैंग्वेज जो आपकी होगी वो आपने यहाँ पर सेट कर लें, तो मेरी उर्दू होगी, मैं यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट करूँगा। और कैप्शन क्राइटिफिकेशन यहाँ पर आपने इसे सेलेक्ट करना है, दिस कॉन्टेंट हैज़ नेवर एयर्ड ऑन टेलीविजन इन द USA, यहाँ पर क्लिक करना है। और शो एडिट इसे ऐसे रहने देना, और ऊपर जाना है और यहाँ से इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद नंबर जो 3 पर आ जाती है ब्रांडिंग, तो आपने ब्रांडिंग पर क्लिक करना है। तो ये देखा होगा आपने वाटरमार्क मेरी वीडियो ले लें या किसी और की वीडियो ले लें, उसके एक कोने में बटन होता है सब्सक्राइब का, कि यहाँ पर दबाएं और सब्सक्राइब करें, तो वो आपने यहाँ पर बटन लगाना है। तो आपने अपने फोल्डर में PC में जाना है और कोई बटन चूज़ कर लेना है सब्सक्राइब का, और यहाँ पर उसे लगा देना है। लगाने के बाद आप यहाँ से सेव कर दें। सेव करने के बाद आपके पास वो बटन शो हो जाएगा, तो ये देखिए वो बटन आ गया, तो आपने यहाँ से सिंपली इसे सेव कर देना है। सेव करना है आपने, तो ये देख रहे हैं कस्टम स्टार्ट टाइम एंड ऑफ वीडियो, तो आप इसे नंबर 3 पर लाएं एंटायर वीडियो, के वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक ये बटन शो होता रहे, तो आपने इसे अपडेट कर देना। जैसे ही आप इसे अपडेट करेंगे तो ये जो बटन है आपकी वीडियो पर सेट हो जाएगा। जैसा कि आपने मेरी वीडियो या किसी और की वीडियोस देखी होंगी, ये बटन है साथ में शो होता रहता है। तो नंबर 4 पर आप देख रहे हैं एडवांस्ड में आ जाना, तो नंबर 1 पर आपको एक कंट्री नज़र आ रहा है, आपने कंट्री सेट कर लेनी है।
और उसके बाद आपने नीचे चैनल कीवर्ड्स, अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर या मोबाइल ट्यूटोरियल या सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल या सॉफ्टवेयर रिव्यू के मतलब वीडियो बनाए तो आपने वो जहाँ चैनल कीवर्ड दे रहे हैं, वरना आप अपना जो है ना चैनल का नेम ही दे, ताकि आपका चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च में आए और ज़्यादा टॉप पर आए। कई दोस्तों का जो है चैनल सर्च में नहीं आता है तो वो कहते हैं हमारा चैनल सर्च में नहीं आया, तो ये आप अगर अपना चैनल का नेम यहाँ दे देंगे तो आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सर्च में आएगा। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, इसका मतलब यह है अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो इससे आपके जो है वीडियो पर ऐड आते हैं वो ऐड शो नहीं होंगे। तो दोस्तों ऐड तो तभी शो होंगे अगर आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी, तो मोनेटाइजेशन ऑन होगी तो ऐसे होगी कि आपके अगर 4000 घंटे वॉच टाइम होगा या 1000 सब्सक्राइबर, तो आप इसे डिसेबल नहीं करना। और नीचे आ जाए एडवर्ड्स अकाउंट लिंकिंग, अगर आप यहाँ पर अकाउंट लिंकिंग करना चाहते हो तो कर लें, और नीचे असिस्टेंट वेबसाइट, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो वो यहाँ पर अपनी वेबसाइट दे लें, अगर है तो वरना रहने दें। तो अगर नीचे चैनल रिकमेंडेशन का मतलब यह कि अगर आप अपना चैनल सर्च में लाना चाहते हैं तो अलाउ चैनल टू अपेयर इन अदर चैनल्स, तो इस पर रहने दें, अगर नहीं लाना चाहते डोंट पर क्लिक कर दें। और नीचे आ जाता है सब्सक्राइबर कंटेंट्स, इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने सब्सक्राइब शो करना चाहते हैं तो ठीक है, आप डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइबर टू माय चैनल, अगर नहीं करना चाहते तो डोंट पर क्लिक कर दें। तो आप शुरू पर डोंट पर ही क्लिक करें क्योंकि आप सब्सक्राइबर जीरो होंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हासिल हो सके। और उसके बाद आपने नीचे सेव पर क्लिक कर देना और ये सेटिंग जो है वो सेव हो जाएगी। तो आगे क्या करना है वो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो आपको ये ऊपर आइकन नज़र आ रहा है मोबाइल का, इस पर क्लिक करना है। अगर तो आपका यहाँ पर माय चैनल ना आए तो ठीक है, वरना आपने इधर आ जाना है इस कोने में, तो ये आपको स्क्रीन डॉट्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने माय चैनल में आ जाना है, माय चैनल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये कस्टमाइज चैनल नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है आपने। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अबाउट में आ जाना है। अबाउट में आने के बाद मैंने बताया था लिंक कैसे ऐड करते हैं, तो वो भी मैं आपको भी बताता हूँ कि हम यहाँ पर कैसे लिंक ऐड करते हैं और कैसे उसका URL कॉपी करके यहाँ पर ऐड करें। तो यहाँ से आप फ्यूचर चैनल्स, यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी आपके चैनल है, तो जैसे कि मेरे चैनल पर आपने देखेंगे एक साइड पर चैनल है वो, तो वैसे यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जिस चैनल को ऐड करना चाहते हैं उसका URL लें और यहाँ पर कॉपी करें, ऐड करके इसे यहाँ से डन कर दे तो आपका चैनल ऐड हो जाएगा। तो अब बताता हूँ लिंक किस तरह ऐड करना है। जहाँ पर लिंक पर ऐड करें और नीचे ये ऐड नज़र आए इस पर क्लिक करें, और यहाँ से अगर आप गूगल प्लस का, जैसे मैं डालने लगा हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा गूगल प्लस। गूगल प्लस लिखने के बाद मैं इसका जो है ना URL वो कॉपी करूँगा। तो अब चलते हैं हम इस URL किस तरह कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर अपने सर्च दबाना है, दबाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा www.google.com। तो www.google.com हम सर्च करेंगे तो हमारी जो गूगल होगी वो हमारे सामने है, वो ऑन हो जाएगी। तो आपने यहाँ सर्च करना है और गूगल को ऑन कर लेना है। जैसे गूगल ऑन करेंगे ये डॉट्स आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गूगल प्लस पर क्लिक करना है। गूगल प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ज्वाइन गूगल प्लस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो है गूगल प्लस की प्रोफाइल क्रिएट होगी। यहाँ से आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं करना चाहे, अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ से आपने करना है नीचे जो क्रिएट प्रोफाइल का ये बटन नज़र आया इस पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ से अपनी जो है पिक्चर भी चेंज करना चाहते कर ले, वरना मैंने तो ऑलरेडी पिक्चर लगा रखी है। तो यहाँ से आप सेव कर दें तो आपका जो है गूगल प्लस का अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। तो आपने करना क्या, इसका प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपने इसका जो है URL यानी कि लिंक ये आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ पर कॉपी करें और कॉपी करने के बाद अपने चैनल में आ जाओ, यहाँ पर इसका जो URL है वो ऐड कर दें। पेस्ट किया और डन कर दिया तो देखेंगे हमारा जो गूगल प्लस का आइकन है वो शो हो गया है। तो इस तरह आप भी दोस्तों अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का भी जो है ना वो URL कॉपी करके यानी कि लिंक कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपके वो जो आइकन है वो भी शो हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं मुझे कोई वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।